Welcome to Chaudhary Mobile Zone pakpattan. आज Infinix का फ़ोन है, इसके FRP बाईपास करेंगे. इधर वाईफाई कनेक्ट करते हैं. इसका टच कुछ ऑटो वर्क कर रहा है. चलिए एक बार ये स्क्रीन ऑफ करके देखते हैं. इधर पासवर्ड देते हैं, कनेक्टेड हो गई. इधर देखें, शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा, ये मेथड नहीं इसमें चलेगा. वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करते हैं टॉक बैक ऑन करने के लिए. ये भी नहीं हो रहा, मतलब इसकी वॉल्यूम की आ जाती है. तो नेक्स्ट आगे चेक करते हैं. इसमें हमने सिम डाल लेनी है. इसकी सिम जैकेट पहले निकाली हुई है, सिम ट्रे. इसमें कोई भी पिन लॉक लगी आपने सिम लगा लेनी है. ये लगा ली. इमरजेंसी पर इधर डबल टैब, पेंसिल के निशान पर क्लिक, इधर हमने लॉक लगा देना है. ऐड कॉन्टैक्ट, इधर थोड़ा सा वेट करना है हमने. जैसे इधर कॉन्टैक्ट शो होंगे तो आगे हम काम करेंगे. ये आ गए. अभी कॉल सेंटर पर हमने कॉल कर लेनी है. एक बार बैक जाना इधर से, फिर इधर कॉल के निशान पर क्लिक कर देना. ये कॉल मिल गई, इधर कॉन्टैक्ट पर क्लिक किया, रिसेंट. इधर हमने 1 2 3 टाइप कर लेना है. सेंड एसएमएस, इधर हमने टाइप करना है www.youtube.com. इसको सेंड कर देना है. ये शो हो गई. इस लिंक पर क्लिक किया, इसके यूट्यूब ओपन हो गई. ये डायरेक्ट क्रोम पर चले गई. एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, नो थैंक्स. इधर हमने अब टाइप करना है एड रूम / बाईपास. ये आ गया फर्स्ट वेबसाइट. इधर हमने ओपन सेटिंग पर क्लिक करना है. ये ओपन सेटिंग नहीं हो रहा, ये देखें. इधर थ्री डॉट पर क्लिक किया, शेयर पर क्लिक किया, नहीं तो बैक. लास्ट में हमने जाना है हेल्प एंड फीडबैक. इधर हमने लिखना है डिलीट और डिसेबल ऐप. ये आ गया. फर्स्ट को ओपन कर लेना है. इधर टैब गो टू एप्लीकेशन. इधर से एप्लीकेशन इसकी ओपन हो गई फ़ोन की. अभी इधर से हम चेक करेंगे एंड्रॉइड सेटअप. ये देखो ओपन नहीं हो रहा, मतलब ये मेथड भी वर्क नहीं करेगा इसमें. ये कुछ भी ओपन नहीं हो रहा. अभी इधर से हम बैक चलते हैं. सिंपल सा हमने इधर शेयर पर क्लिक करना है. इधर हमने इजी शेयर, इसको परमिशन देनी है. कुछ देर वेट करना है. ये इसका कैप्चा आ गया X6512. अभी हमने एक और फ़ोन लेना है, इन्फिनिक्स का हो या किसी और कंपनी का हो. मेरे पास इन्फिनिक्स का ही फ़ोन है, वो मैं ले लेता हूँ. इधर हमने गूगल क्रोम पर जाना है.
इधर हमें टाइप करना है वही ऐड रूम / बाईपास, ऐड रूम / बाईपास। पहली वेबसाइट को ओपन करना है। इधर से हमने दो फाइलें डाउनलोड कर लेनी और इंस्टॉल करनी है, एक एंड्रॉयड 8.9.10 ये, दूसरा FRP बाईपास APK, ये इंस्टॉल करके डाउनलोड करके हमने इंस्टॉल कर लेनी है। इसको ओपन करके इंस्टॉल कर देना है, दूसरे को भी इसी तरह इंस्टॉल कर देना है इसको। उसके बाद आपने क्या करना है मैं अभी आपको बताता हूँ, ये डन कर देना है। अभी हमने प्ले स्टोर ओपन करना है, इधर हमने लिखना है एक्टिविटी लॉन्चर, एक्टिविटी लॉन्चर ये आ गया। इसको हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। सिंपल सा हमने जाना है एक्स शेयर, इधर हमने पहले रिसीव पर क्लिक करना है। इसके साथ कनेक्टिंग के लिए पहले हमने इधर रिसीव करना है, इसको इधर स्कैन करते हैं। ये स्कैनिंग हो गई, कुछ देर वेट करेंगे। ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। अभी हमने इधर डिसकनेक्ट करना है, एग्ज़िट, इधर भी एग्ज़िट, इधर व्यू पर क्लिक कर देना है और एक बार इधर से बैक जाना है। ये देखो ये अपने मेन मेन्यू में आ गया, एग्ज़िट, व्यू, एक बार बैक, सिंपल सा मेथड ये। अभी हमने इधर रिसीव करना है क्योंकि हमें इधर फाइल चाहिए और दूसरे फ़ोन से हमने सेंड करना है। इधर वही तीन फाइलें हमने सेलेक्ट कर लेनी है, 1, 2 और ये एक्टिविटी लॉन्चर 3। अभी हमने इसको सेंड करना है, ये इधर स्कैनिंग करेंगे हम दूसरे फ़ोन में। अब इधर हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अब वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये कनेक्टिंग हो गई, उसके बाद ये सेंड हो रहा है, कुछ देर वेट करेंगे, डिसकनेक्ट कर देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया क्योंकि फाइलें सेंड हो चुकी थी। अभी हम ये एक इंस्टॉल हो रही है, इसको थोड़ी सी देर वेट करते हैं, इंस्टॉल हो लेने दें। ये हो गई। अभी हमने FRP बाईपास वाली ऐप को ओपन करना है, 3 डॉट पर क्लिक करके साइन इन ब्राउज़र। कुछ देर वेट करते हैं। मज़ीद कुछ देर वेट करते हैं। एक बार इसकी सिम बाहर निकाल देते हैं क्योंकि जब हम एक्स शेयर से कनेक्ट करते हैं तो वाईफाई इसकी डिसकनेक्ट हो जाती है कई बार, तो हम इसकी सिम को बाहर निकाल देते हैं पहले वाली को। अभी चेक करते हैं वाईफाई कनेक्ट होती कि नहीं। ये कनेक्टेड हो गई, चेक करते हैं। कुछ देर वेट करते हैं, ये लॉक अभी लगा हुआ है, अभी तक कनेक्ट नहीं हुई, अभी कनेक्टेड हो चुकी। एक बार बैक जाना है आपने। इधर हम फिर FRP बाईपास वाली ऐप को ओपन करेंगे, साइन इन ब्राउज़र, ओके। ये आ गया। इधर हमने अपना जीमेल अकाउंट कोई भी लगा लेना है,
जो हमको याद हो। मैंने ये अकाउंट साइन इन किया इसमें, उसके बाद हमने एक्टिविटी लॉन्चर को ओपन करना है। ओके, इधर थोड़ा सा वेट करेंगे, ये फाइलें इसकी लोडिंग हो रही हैं। ये ओपन हो गई, उसके बाद हमने इधर अच्छे से देख लेना ऑन ड्राइव सेटअप। इधर हमने क्लिक करना है, नीचे आते जाना है, ये इधर, ये दूसरे वाले पे नहीं, इधर पे ये आ गया X6512। अभी कुछ देर वेट करेंगे, ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह इसके डेस्कटॉप पे आ गया, इसकी FRP बाईपास हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स ज़रूर करना। अभी इसका मॉडल मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये देखें इसका मॉडल है X6512। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।